तूने जानबूझ के किया ना, तूने मुझसे बदला लेने के लिए मेरी बच्ची को धमका दिया। बुआ, सिमी बुआ आप क्या बोल रही है? अब मैं ऐसा नहीं कर सकती। सिमी तू पागल हो गई है क्या? हाँ मैं पागल हो गई हूँ, पागल हो गई हूँ मैं। जिसने भी मेरी बच्ची की हालत की है ना, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, जेल बचा के रहूंगी मैं उसको। हाँ तो ठीक है, मुझे जेल ले जाओ, क्योंकि मैंने ये जान के किया है। मैं बदला लेना चाहती थी तुमसे, तुम्हारी बेटी सामने आई, मुझे गुस्सा आया, मैंने तो धक्का दे दिया, हो गया मुझसे। अरे एम्बुलेंस की आवाज आ रही है, चलो घर, चले अभी समिति, अभी 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 ये लड़ने का टाइम नहीं है यार, अगर नेक्स्ट और नीचे जाना है। आने की कोशिश भी मत करना मेरी बेटी के पास। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ऋषि माँ आपने झूठ क्यों बोला? ये सब मेरी गलती है, मैंने अनन्या दीदी को पुश किया। अगर सबको पता चल जाएगा तो सिमी बुआ मुझे पनिश करेंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, वो मुझे जेल में डाल देंगी। नहीं बिल्कुल नहीं, आपकी शिमा आपके साथ है ना, कोई आपको कुछ नहीं कर सकता। मैं अनन्या दीदी को गिराना नहीं चाहती थी, मुझसे गलती से धक्का लग गया, मैं तो बस पापा को बुलाने चाहती थी। मैंने देखा था सिमी बुआ आपसे झगड़ रही थी, पर अनन्या दीदी मुझे जाने ही नहीं दे रही थी। ओके, आपको कुछ नहीं होगा बिट्टू, मैं हूँ ना, और अब अनन्या दीदी की चिंता मत करो, वो बेस्ट हॉस्पिटल में है, वो जल्दी ठीक होके वापस आ जाएंगी, और आप उनको तब सॉरी बोल देना। कुछ नहीं होगा, अनन्या दीदी ठीक तो हो जाएंगी ना? बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, जस्ट वेट एंड वॉच। हम हॉस्पिटल चले, मुझे अनन्या दीदी से मिलना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इश्ता मुझसे कुछ छुपा रही है, कोई तो बात है। ये यहां पर क्यों आई है? अनन्या को होश आ रहा है, लेकिन उसकी हालत अभी भी क्रिटिकल है। मुझे समझ में नहीं आता इतनी गहरी चोट उसे कैसे लगी, जैसे कि किसी ने उसको जोर से धक्का दे दिया और उसका बैलेंस बिगड़ के वो जोर से जा गिरी। एक्सीडेंट था डॉक्टर, गलती से गिर गई वो। गलती से गिरने से इतनी गहरी चोट नहीं लगती है मिस्टर भल्ला। चोट बहुत गहरी है, जैसे किसने उसको जानबूझ के ही गिराया हो। नहीं डॉक्टर जी, परम जी पुलिस को बुलाइए। ऐसे में क्या करें, तो जिसने मेरी बच्ची को धक्का दिया उसको मैं छोड़ने वाली नहीं हूं। जान ले लूंगी उसकी। सिमी तू भी जानती है इशिता जान मुझे कभी ऐसा नहीं करेगी। बस पुलिस आ रही है।
फिर वही डिसाइड करेगी कि ये अटैक था या फिर एक्सीडेंट। बुआ एक बार शांति से सोचिए, नन्या ठीक हो जाएगी। बुआ बुआ इससे मैं ऐसा नहीं कर सकती, आपको भी पता है। अगर पुलिस आ गई तो वो मुझे जेल में डाल देंगी, क्योंकि मैंने अनन्या दीदी को धक्का मारा। आपने नहीं मारा अनन्या दीदी को धक्का, आपने नहीं मारा। सुन रहे हो मेरी बात? आपने कुछ नहीं किया है। अगर आपसे कोई भी पूछे कि आपको कुछ पता है इस बारे में, आप कहोगे आपको कुछ नहीं पता, आपने नहीं किया। ओके परिशिमा, अनन्या दीदी को मैंने ही धक्का दिया। नहीं दिया। नहीं, आपने नहीं दिया उसे धक्का। आप मुझसे प्रॉमिस करो इशिमा, प्रॉमिस आप किसी से कुछ नहीं कहोगे इस बारे में। सुन रहे हो आप मेरी बात? आपने कुछ नहीं किया है। जो भी कहना है बताना है वो मैं बताऊंगी इशिमा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। वेरी गुड। इस प्रॉमिस को आप नहीं तोड़ सकते। चलो रिलैक्स। तो आप बता सकते हैं मुझे इस बारे में? इंस्पेक्टर साहब, उस औरत से पूछिए उसे मेरी बच्ची के साथ क्या किया। नहीं इंस्पेक्टर साहब, सिमी ऐसा बोल रही है क्योंकि उसकी बेटी की जान खतरे में। वो अपने सेंसेस में नहीं है, कुछ भी बोल रही है। मैं जानता हूं अपनी बीवी को, वो किसी बच्चे को चोट नहीं पहुंचा सकती। अनन्या की मामी है वो, जो हुआ है गलती से हुआ। इंस्पेक्टर साहब, पिछमा ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। अनन्या को होश आ गया है। लेकिन उसकी हालत बहुत ही नाजुक है, कुछ लोग ही अंदर आ सकते हैं। अरे इतने सारे नहीं, बस कुछ ही लोग। खाने दीजिए इन सबको। क्या आपको किसी ने धक्का दिया था? उत्तर बोल। जिसने आपको धक्का दिया था क्या आप उसे पहचान सकते हो? क्या वो इस कमरे में है? डरने की कोई जरूरत नहीं है अनन्या, बोल। बोलो बेटा। हाँ? Thank you.
बेटा आके खोलो। परम, ये क्या क्या हुआ इसको? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अनन्या, परम ये चुप सब जाओ। अनन्या, I am sorry. She is no more. She is no more. सॉरी बट हम इनको ले जाना ही होगा। इंस्पेक्टर साहब, लेकिन आयो इससे कुछ मिस्टेक नहीं किया, हमेशा बोलो उसको। अच्छा, कुछ नहीं है। अरेस्ट कर लीजिए नहीं। इसने बोलो ना सच। बाकी की जो कार्रवाई होगी वो अदालत में ही होगी। की कोशिश कर रही हो इशिता, झूठ क्यों बोल रही हो तुम? मैं जानता हूं तुमने सब नहीं किया। मैं किसी को नहीं बचा रही हूं। अगर ऐसी बात होती ना तो मेरी आंखों में देखकर बोलती, क्योंकि मैं जानता हूं मुझे देखकर तुम झूठ नहीं कह पाओगी। जस्ट टेल मी हु यू सेविंग यार। मैं इशिता, मैं सब संभाल लूंगा। जस्ट किसे बचा रही हो तुम? तो लो, आपकी आंखों में देखकर कह रही हूं, मैंने मारा अनन्या को। मुझे बहुत गुस्सा आया उस पे, इतना गुस्सा आया कि मैंने उसे धक्का दे दिया। यही सच है। सच जानना चाहते थे ना, तो बस याद रखो कि मैंने अनन्या को मारा है। क्यों सच नहीं बोल रही है? मैं और पीयू
तुम लेट हो। प्लीज प्लीज अशमा को घर ले आओ, पीहू की हालत देखो, प्लीज पापा प्लीज कुछ करो। अशमा पीहू अशमा मुझे तुमसे बात। चलो चलो चलो। देखिए सुनिए मेरी बात, सुनिए प्लीज सुनिए, मुझे अपनी बीवी से दो मिनट बात करनी, प्लीज प्लीज दो मिनट। ठीक है कर लीजिए बात, पर जल्दी जी जाइए जल्दी। इश्ता इश्ता बीवी की तबीयत खराब, उसे बुखार है, वो बार बार तुम्हारा नाम ले रही, कम से कम अपनी बच्ची के खातिर तो सोचो, क्योंकि मैं जानता हूँ तुमने कुछ नहीं किया है और खबरदार जो तुमने अंदर जाके झूठ बोला था। प्लीज सुनिए मेरी कसम है, तुम्हें तुम्हें बीवी की कसम। पीहू के खातिर कोर्ट में कुछ गलत नहीं कहूंगी। ठीक है चलो 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 चलो। इश्ता तुम्हें सच कहना है पीहू के लिए। इश्ता अगर सच बता देंगे तो शायद वो छूट जाएगा, आज उसको प्रतीक हो जाएगा। ऑर्डर ऑर्डर, जज साहब ये ओपन एंड शट केस है। इशिता भल्ला ने अनन्या खुराना एक छोटी सी बच्ची उसे मार डाला। मरने से पहले अनन्या ने इशिता की तरफ उंगली उठाई थी ये बताने के लिए कि इशिता भल्ला ने ही उसे धक्का दिया और गिरा दिया। मिसेस इशिता भल्ला, आपकी तरफ से कोई लॉयर नहीं है, आप चाहे तो कोर्ट आपको एक लॉयर अपॉइंट करके दे सकता है। मुझे लॉयर नहीं चाहिए। आप अपने डिफेंस में कुछ कहना चाहती है? मैं अपना गुनाह कबूल करती हूँ। मेरा और सिमी का झगड़ा चल रहा था, हमारे घर का माहौल ठीक नहीं था। सिमी मेरी बेटी को किसी से शादी करने के लिए धकेल रही थी, जो इंसान अच्छा नहीं है। हमारे परिवार से कोई नहीं चाहता था कि मेरी बेटी उससे शादी करे। इसी मामले को लेके मेरी और सिमी के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही थी, लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मैं नीचे जा रही थी अपनी बेटी को रोकने के लिए, पर बीच में सिमी की बेटी आ गई अनन्या। वो मुझसे झगड़ने लगी कि मैं उसकी माँ से क्यों लड़ रही थी, और मुझे गुस्सा आया, मैंने गुस्से में उसे धक्का दे दिया। बस यही मेरा गुनाह है और मैं एक्सेप्ट करती हूँ। इशिता ये तुम क्या कह रही है? जैसा भी देखिए आप बैठिए प्लीज। देखिए मुझे मालूम है मुझसे गुनाह हुआ है, गुस्से में हो गया ये पाप। मैं चाहती हूँ कि अब आप लोग इसके आगे कोई पूछताछ ना करें, कोई तफ्तीश ना करें, क्योंकि मैं अपना गुनाह कबूल कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मुझे सजा मिले। जैसा जरूर कोई वजह है जिसकी वजह से इशिता ऐसा बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इशिता प्लीज देखिए आपको लास्ट वार्निंग है, अगर आपने अभी कोर्ट को डिस्टर्ब किया तो आपको कोर्ट से बाहर भेज दिया जाएगा। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत मुल्जिम इशिता भल्ला को उम्र कैद की सजा सुनाती है। सॉरी रमन, मुझे माफ कर दो।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।